जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी अध्याय 6:6। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। मेरे भाई और बहनों, भक्ति से लाभ होता है, लेकिन केवल उसको जो संतुष्ट है अपने जीवन में। मेरे भाई और बहनों, जब हम कार्य करते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जन जो परमेश्वर के राज्य में काम करता है उसे लाभ मिलता है, लेकिन उसी ही मिलेगा जो अपने हर एक चीजों से संतुष्ट है। हमने देखा है बहुत सारे जन को कि जब वो प्रचारक बनते हैं या परमेश्वर के राज्य में बनते हैं, वो पहले संतुष्ट रहते हैं हर एक चीजों से, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लालच मिलता है तो वो धीरे 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 परमेश्वर के वचन जो उन लोग करुणा कृपा दया का होता था वो बदल के केवल लालची प्रचार करते हैं। वचन कहता है कि तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें हर एक चीजों से परमेश्वर भरेगा, लेकिन जब जब तुम संतुष्ट हो अपने चीजों से। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज परमेश्वर हम सब जन से कह रहा है कि तुम जो भी कार्य करते हो उससे संतुष्ट रहो, लालची नहीं बनो। परमेश्वर के राज्य में अगर हम कार्य करें तो लालची नहीं बनना है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते तो उसमें लालची नहीं बनना है। पैसा पैसा पैसा, ये हमने बहुत जन से सुना है, लालची नहीं बनना। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि संतुष्ट बनना सीखो, तुम्हें लाभ मिलेगा जब जब तुम संतुष्ट रहोगे। तो आज मेरे भाई और बहनों, आज यही प्रार्थना हम करेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद रख के अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर हम संतुष्ट नहीं रहते। हमें जितना मिलेगा हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, वो सब चीजों के लिए सुबह हम माफी मांगते परमेश्वर। हमें संतुष्ट रहना सिखा परमेश्वर, कि हम भले सूखे रोटी और चावल खाए लेकिन परमेश्वर आनंद के साथ खाए। अगर हम 5-स्टार होटल में खाना खाएं, आनंद के साथ खाएं, उस प्रकार का संतुष्ट रहना हमें सिखा परमेश्वर। लाभ तू देता है परमेश्वर, लेकिन केवल उन व्यक्ति को जो संतुष्ट रहना सीखते हैं। तो आज परमेश्वर, जो हमें देख रहे सुन रहे, हम हर एक परिवार यही माफी मांगते हैं तुझसे परमेश्वर, कि अगर हम स्वार्थी थे उस सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हम संतुष्ट नहीं रहते परमेश्वर, उस चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर, कि हम जो भी चीज करें तेरे राज्य में करें पूरा संतुष्ट रह के करें। और यही प्रार्थना इस समय तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं, आमेन। जय श्री।